हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका लिया हुआ फैसला क्या आपके लिए सही है। आपके भविष्य को लेकर, आपको लेकर आपका लिया हुआ फैसला आपके लिए हितकारी रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका लिया हुआ फैसला आपके लिए, आपके भविष्य के लिए हितकारी है या नहीं है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना जी? ओके, फाइव ऑफ कप्स। बहुत मुश्किल से, बहुत कठोरता के साथ आपको ये फैसला लेना पड़ा। आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन अभी बनी हुई है वहाँ पर, ये कह सकते हैं कि जो सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है उसे संभालने के लिए आपने बहुत प्रयत्न किया है। अब जितना कहते हैं ना, किसी इंसान के ताकत होती है जितना वो कर सकता है उतना आपने किसी सिचुएशन को संभालने की कोशिश करी है। ये सिचुएशन में जहाँ पर आपने, मतलब आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन हो सकती है उसे अपने आधार पर समझने की कोशिश करना, ये कहना क्या चाहती है रीडिंग, मैसेज क्या कहना चाहता है। हालात आपकी लाइफ में वो बन गए जहाँ पर बहुत सी चीज़ें छूटने लगी आपकी लाइफ से, और एक समय तक आप उनको संभालते रहे, उन्हें पकड़ने की कोशिश करी कि ये आपके हाथ से निकल ना जाए, या ऐसा भी ना हो जाए कि कभी आप वापस से इन्हें संभाल ना पाओ। तो दिमाग में एक वो बात होती है ना कि आज समय ऐसा है, भले बुरी परिस्थितियां बनी हुई हैं, भले कैसी भी स्थितियां बनी हुई हैं, अगर आज इसे संभालने की कोशिश नहीं करी, गुस्सा साइड में रखकर संभालने की कोशिश नहीं करी, तो कल को बहुत बड़ा गिल्ट हो सकता है, पछतावा बहुत ज्यादा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपने अपने स्वार्थ को भी साइड में रखा, अपने ईगो को साइड में रखा, अपने स्वाभिमान को साइड में रखकर आपने लाइफ में कुछ चीजों को लेकर सुधार करने की कोशिश करी। पर उससे क्या है कि एक कहता ना, सुधार ना होकर चीजें और ज्यादा बिगड़ना, जैसे आपकी अच्छाई आपके लिए घातक साबित हो जाना, यही चीजें आपके साथ हुई। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड यही होता है कि आपके प्रयत्न गलत जगह पर जाना, और वो प्रयत्न का गलत जगह पर जाने का सेंस क्या होता है, आपकी लाइफ में समय की बर्बादी का होना जहाँ आप अपने बारे में ना सोच पाओ। तो वो स्थिति आपकी लाइफ में ऐसी बनी जहाँ पर आप स्टक होकर रह गए। अब क्या किया जाए, मतलब एक सिचुएशन खुद ब खुद आपकी लाइफ में ऐसी बनी है जहाँ पर, अगर ये आपके मन में क्या आता है, जैसे एक होता है ना, उस पुल पर कोई इंसान खड़ा है, बीच में खड़ा है, वो पीछे मुड़कर देख रहा है क्या छूट गया, पर ईश्वर कह रहे हैं, मालिक कह रहे हैं, बेटा इधर भी देखो, है ना, जिधर आप पीठ करके खड़े हो ना वहां पर देखो, आपके पास अभी भी बहुत कुछ है। दो कप जो है ना वो अभी भी भरे हुए हैं, है ना, जो छूटा उसकी तरफ मत देखो। जानबूझकर आपकी लाइफ में ये स्थितियां क्रिएट की गई कि आप इस तरीके का फैसला लो, भले ये दुनिया के लिए, भले किसी भी प्रकार से आपके खुद का मन क्या कहता होगा कि बड़ा कठोर फैसला आपने लिया है ना, कहता है दिल पर पत्थर रखकर किसी प्रकार का फैसला लेना, लेकिन ये फैसला आपके लिए बहुत सही रहेगा। कहता ना, गलत चीजें आगे बढ़ने से रोकने का एक बहुत बड़ा प्रमाण साबित होगा, और यही फैसला इस फैसले पर आप कितना प्राउड करते हो वो देखना। तो यू कह सकते हैं, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड जो है ना, ये एक बुरी स्थिति के बारे में नहीं कह रहा है, ये आपकी लाइफ में बदल रहे वातावरण के बारे में कह रहा है कि वो स्थितियों को आप अपने काबू में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पर आपकी लाइफ बदलती है, जहाँ पर आपकी लाइफ में शांति मिलती है, जहाँ पर आपका ध्यान जो है ना वो उन कप्स की तरफ या आपकी बची हुई खुशियों की तरफ जाता है कि मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है, अगर कुछ छूटा है, कुछ हाथ से निकल गया, तो लाइफ में अभी भी बहुत कुछ है, और मुझे उनके लिए, है ना, मेरी उस खुशी के लिए मुझे जीना है, वो वाले भाव। यानी कह सकते हैं गाइस कि फैसला आपका सही है, डायरेक्शन आपका सही है। हालांकि इसमें आपको देखो कंफ्यूजन भी, अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी कंफ्यूजन है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही है
क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वाटर की एनर्जी है जो एक, जैसे एक होता ना कैद में बाउल, बिल्कुल कुछ वैसा इस प्रकार से है बाउल, कि जो कहता है कि इमोशंस को ना काबू में कर लिया है, कि लाइफ ने ऐसे ऐसी स्थितियां दिखाई है, ऐसे ऐसे लोगों का चेहरा दिखाया है कि अब ट्रस्ट किसी पर नहीं है। भले कोई कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, ट्रस्ट नहीं होता तो नहीं होता। अभी भी दुविधा है आपके मन में, अभी भी दुविधा है। हो सकता है आपके दिमाग में दो तरीके के फैसले अभी भी आ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि दिमाग में ये आता है कि क्या वापस से बैक स्टेप ले लिया जाए क्या। अगर ये करते हो ना तो ये सही नहीं है गाइस। सच में अगर आपके मन में अगर ये चल रहा है, आप अपने इमोशंस को काबू में करना चाहते हो, या फिर एक कहता ना कि ये अगर आपके दिमाग में आता ना बैक स्टेप करने का, ये आपके लिए सही नहीं जाएगा, क्योंकि लाइफ ने ही आपके लिए फैसला लिया है। अब मैं किस प्रकार से समझाऊं, ये परिस्थितियां जानबूझकर ऐसी बनी जहां पर आपको अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज करना पड़े। अभी के हाल क्या पता है कि जो स्थिति सामने नजर आ रही है ना, जो आपने फैसला लिया है, वहां पर अपने इमोशंस को ना काबू में करके आगे बढ़ते चले चलो। जानबूझकर स्थितियां और आपका पैर जो है ना पीछे धकेलने की कोशिश करें कि वो करना नहीं है, क्योंकि क्या कहा, पहला ही कार्ड क्या कहता है कि थोड़ा आपको कठोर होकर लाइफ में आगे बढ़ना पड़ा, कि छूट गया जो छूट गया मुझे अब संभालना है। जैसे एक होता है ना कि समय की बर्बादी मत करो, अब आगे की तरफ बढ़ो, तो आपको समय यही कह रहा है कि उस पुल पर जो खड़े हो ना पीछे मुड़कर मत देखो, अब आगे आगे बढ़ो, आप अभी भी आपके पास बहुत कुछ है ना। और ऐसा है कि मालिक आगे भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। परेशान मत हो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। ये देखो लॉयन की एनर्जी, क्यों परेशान होना, आपका हाथ देखो खुद उस बाउल की तरफ जा रहा है जहां पर आपको खुशी मिले, लेकिन आपकी आंखें बंद, वो उस स्थिति को देखना नहीं चाहते, देख ही नहीं रहे, क्योंकि डर है मन में, है ना। आपको मान सम्मान भी बहुत मिलेगा इसी राह पर, इसी एक्शन के आधार पर आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा। आप अटके हुए अभी भी, क्योंकि बुरी स्थितियां बहुत ज्यादा देख लेना, इसी राह पर आप आगे बढ़ोगे ना, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत भी होगी। और ये कार्ड OMG, ये आपने इतने सालों से जो मेहनत करी है ना उसका फल ला कर देगी। ये आप ही के कर्मा है जो रिटर्न होकर आपको गिफ्ट के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में मिल रहे हैं, आपको खुशी के रूप में मिल रहा है। 9 of Cups का कार्ड कहता है एस ऑफ वैंड्स के साथ एक नई शुरुआत, एक नए चैप्टर का आरंभ होना, जहां पर आपकी तकलीफें खत्म होती। ये फैसला जो है ना, ये आपकी लाइफ से सभी प्रकार की डेविल एनर्जी को आपकी लाइफ से भगाएगा। सच कह रही हूँ, ये भले अभी आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, इसमें संघर्ष भी है, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी अपने आप में यही कहती है कि संघर्ष दिख रहा है। एक बार आपने आसान राह को तो नहीं चुना ना, आपने चुना है मुश्किल राह को, कठिन राह को। और ये क्यों चुना पता है, मुश्किलें ही मुश्किलों को काटेगी। 10 of Swords का कार्ड यही कहता है कि इसी राह पर आपकी चिंताएं खत्म होगी, इसी राह से ना आपके दुख खत्म होंगे, सालों पुराने दुख खत्म होंगे। ऐसे लोगों का आपकी लाइफ से निकलना होगा जो वाकई में आपकी लाइफ में रहना डिजर्व नहीं करते। परिस्थितियां बन बन कर ये लोग निकल रहे हैं। ये देखो आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। एक कहता ना लाइफ की सफाई होना, जहां से अपने आप ऐसे लोगों का निकल जाना जो आपके लिए वैल्यू नहीं रखते, आपकी लाइफ के लिए वैल्यू नहीं रखते, जो कभी आपके बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते, है ना। यानी डायरेक्शन जो भी आपने चुना है वो आपने नहीं चुना है, ये फैसला आपके लिए कुदरत ने लिया है, मालिक ने लिया है। इसी राह पर आगे चलने पर ये एस ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब क्या है, प्रसिद्धि पाना, ख्याति पाना, अपनी मेहनत के आधार पर कुछ ऐसा करके दिखाना जो एक समय पहले, कुछ सालों पहले आपने भी नहीं सोचा था कि आप कभी ऐसी अचीवमेंट कर पाओगे, इतना अचीव कर पाओगे आप, है ना। इससे क्या होगा पता है, जो भी आपने फैसला लिया है अपनी लाइफ को लेकर, निर्णय जो लिया है ना, उस वो आपको क्या बताना चाहता है पता है, आगे चलकर आपको लेकर, आपकी ऊर्जा को लेकर भी काफी सारे रहस्य आपके सामने ओपन होंगे, खोलेंगे देखना। और ये फैसला लेने के पीछे पता है क्या होगा, एक आपका स्ट्रेस कम होगा,
क्योंकि जैसा कहा ना, कुछ लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे तो उसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा कि मानसिक शांति और पीस जो आपको चाहिए ना, कि आपके काम पर किसी की नजर ना हो या आपको बार बार मेंटली कोई परेशान ना करे, उसको लेकर बात है। फैसला सही है जी आपका, बिल्कुल फैसला सही है। ये फैसला आपकी लाइफ को बदलेगा, देखना। अगर मैं सच कहूँ ना, ये फैसला अगर आज आज नहीं लिया होता ना आपने, तो ये बाद में लेना पड़ता, और बाद में लेना पड़ता तो बहुत बुरे स्तर पर लेना पड़ता। मतलब ये फैसला भी फेटेड था आपका, ये डायरेक्शन भी फेटेड था आपका, इस यहाँ पर जाना ही जाना था आपको। कैसे भी करके परिस्थितियां बनती, लेकिन बनती जरूर। अभी भी आप अटके हुए कहीं पर, आपके इमोशंस कहीं पर अटके हुए हैं, कहीं पर लगाव अटका हुआ है, कुछ है। कुछ समय बाद में आपको कुछ चीजें और सामने आएगी, बताओ। अभी तक आपके सामने नहीं है। जैसे पहले भी एक रीडिंग में मैंने कहा था कि अभी के हाल फिलहाल में कुछ चीजें ऐसी है, परिस्थितियां ऐसी है जो अभी आपके सामने अनफोल्ड नहीं हुई है ना, अनफोल्ड नहीं हो। जैसे फाइव ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है, 3 कप्स के खाली हो जाने के बारे में। आपको ये पता है 3 कप्स खाली हो गए, वो किस प्रकार से खाली हुए हैं ये आपको नहीं पता है। द मून के एनर्जी के साथ फाइव ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है, अटके हुए हो, परेशान हो, दुखी हो, उसी के बारे में थिंक चलती, ओवर थिंकिंग चलती रहती है। ध्यान हटाने की कोशिश करो, हट नहीं रहा है। ईश्वर मालिक क्या कहते हैं कि अभी आपका ध्यान नहीं हट रहा है, अभी भी स्टक हो, अभी आपको कुछ चीजें पता नहीं है। ये समय निकल जाने दो, आपको लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ जाने दो। आपकी लाइफ में जो प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन बनता है ना, उसके बाद में देखना जजमेंट आपके साथ किस प्रकार का होता है। कि ये जो आपके सामने चीजें खुलकर आएगी ना, आप खुद हैरान हो जाओगे कि अच्छा हुआ कि लाइफ में ये फैसला लिया और आगे बढ़े। ये फैसला आपके लिए सही है ना जी। काफी सारी चीजें अभी तो बाद में आपके साथ अनफोल्ड होगी। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द फूल, ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, ये फिर से आया, एट ऑफ पेंटिकल और नाइन ऑफ कप्स है, एम्परर की एनर्जी फिर से आ रही है। पता नहीं क्यों मेरा ये मन कर रहा है ये लेने का। द हर्मिट, इस मूड से आप बाहर निकल जाओगे, है ना। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपका भाग्य ना आपके लिए ये करवा रहा है। सच कहूँ ना, कभी कभी होता है ना कि किसी इंसान के अच्छे कर्म अड़े आते हैं और कोई इंसान जाने अनजाने में किसी प्रकार का फैसला ले लेता है, एक्शन ले लेता है कि मैं नहीं सहन होता तो फिर मैं क्या करूँ। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए मुझे कोई ना कोई तो रास्ता अपनाना पड़ेगा, और वही रास्ता आपने अपनाया है, वही डायरेक्शन आपने चूज किया। और कहता है ना, सही समय पर कोई इंसान इतना अच्छा कदम उठा लेता है जो लाइफ को बदल कर रख देता है, लाइफ का इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। आपके साथ स्थितियाँ इसी प्रकार से, द हर्मिट वाली स्थिति में हो, द स्टक हो गए, स्टक होने वाली सिचुएशन में होना, उससे बाहर निकालने के लिए ये आपका फैसला जो है ना, कामगार साबित होगा। ये आपकी लाइफ से दुखों को खत्म करेगा, आपकी लाइफ में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। द फुल की एनर्जी कहती है एक न्यू बिगिनिंग कर देना, जहाँ पर हर प्रकार की नकारात्मकता, बुरे भाव है ना, या आपके व्यवहार को बदलने वाली, ये कार्ड कहता है कि किसी इंसान की आदतों को ही बदल देना, इतना परेशान करना स्थितियों के द्वारा। तो अगर कोई स्थिति बार बार लगातार आपको बेवजह का संघर्ष दे रही है, जहां पर आपके ठीक करने से भी वो ठीक नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में कोई इंसान क्या करेगा। अगर उनका समय बर्बाद होता जा रहा है, ये उनकी कोशिशें बेकार जाती जा रही है, तो ऐसे में क्या करेगा कोई इंसान। अपना डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करेगा, एक फैसला लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ये उसी के बारे में है कि बिल्कुल सही है कि आप लाइफ में आगे बढ़कर खुद के साथ न्याय करने के बारे में कर रहे हो, ये निर्णय ले रहे हो जो आपके लिए सही जाएगा। लोग उसका विरोध करेंगे, देखना, बहुत नजदीक से आपको विरोधों का सामना करना पड़ेगा,
है ना। लेकिन एक समय के बाद में कहता है ना कि अपने आप पर से ये निंदा ये आरोप सब हट जाना, क्लैरिटी समय लाकर देगा कि कौन सही है कौन गलत है और आपका लिया फैसला कितना सही है कितना काबिल है आपके लिए वो देखना। इवन एक बात कहूँ मैं, अब चाहे परिस्थितियाँ जैसी तैसी बनी है, कोई ऑप्शन आपके लिए रहा है नहीं रहा, लेकिन कहा ना जैसे कि ये डेस्टिनी में कुछ चीज़ें फेटेड है आपके लिए, और ये आपने एक्शन जो लिया है ना इसका परिणाम क्या होगा पता है, ये न केवल आपके अभी के लिए आपके भविष्य के लिए बहुत हितकारी साबित होगा। देख लेना, भले आप डर रहे हो मन में, आपको ये पता है कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा, या कल को किसी प्रकार का फैसले में थोड़ी गड़बड़ हो गई ना, उसके परिणाम में गड़बड़ हो गई ना, तो लोग बख्शेंगे नहीं आपको। अभी भी आप निंदा के शिकार हो रहे हो और बड़ा रिस्क लेकर कहते हैं ना कि आपने ये कदम आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है, बहुत बड़ा रिस्क लेकर बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके आपने ये एक्शन लिया है, पर यहाँ पर आपका भाग्य आपका साथ देगा क्या? डेफिनेटली देगा, डेफिनेटली देगा। ठीक है, मैं लास्ट में क्या करूँगी, एंजल्स गाइडेंस भी लूंगी ताकि आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाए, आपके मन में जो ये बेचैनी है अभी भी दुविधा है ना, एक कदम आपका पीछे जा रहा ना उससे आप बाहर आ जाओगे। आप अपने लिए फैसला नहीं ले रहे हो ये याद रखना, आपके लिए स्थितियां ऐसी बन रही है कि आपको वो फैसला लेना ही पड़े, और यही हाल आपके साथ चल रहे हैं। आपका भाग्य का साथ इस समय बहुत मिल रहा है, फेथ रखो, आगे चलकर इसी फैसले के लिए मालिक को आप ग्रेटिट्यूड दोगे। देखना, कहा ना फाइव ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि एक एंडिंग के बाद में आप मजबूर हो गए अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाए रखने के लिए कि ये फैसला आप ले हो ही ले हो, है ना, इसके बारे में, और आगे चलकर खुद आप मालिक को धन्यवाद दोगे कि मालिक अच्छा हुआ ये फैसला ले लिया मैंने, है ना, बची कुची लाइफ जो है ना वो बच गई, यही कहोगे। निर्णय आपका सही जाएगा, रिकवरी हो जाएगी लाइफ के कुछ हिस्सों को लेकर, आइसोलेशन से बाहर आ जाओगे, देखना, है ना। फैसला सही है जी आपका, कठिन है, मुश्किल है, राह डगर है, थोड़ा संघर्ष हो सकता है आपको देखने को मिले, लेकिन एक बात कहूँ, इसी राह पर आपके लाइफ की कह सकते हैं कि खुशियाँ आपको मिलेगी, फेटेड खुशियाँ मिलेगी, आपने जितनी मेहनत की है उसका रिवॉर्ड मिलेगा, आपके अच्छे कर्म इस फैसले के आगे आ रहे हैं जो इस फैसले को गलत नहीं जाने देंगे, देखना। और कितना डर है आपके अंदर वो आप जानते हो, ईश्वर जानते हैं, मालिक जानते हैं। कहा ना कुछ चीजें ना जैसे एक होता है कि पीछे का दरवाजा बंद करके लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में, क्योंकि अब वापस आपको पलट कर जाने की वो गुंजाइश ही नहीं रही, वो समय ही नहीं रहा, वो स्थितियां भी वैसे नहीं ली, लोग भी वैसे नहीं रहे कि आप वापस अपने कदम पीछे कर सको, हालात तो यही बने हुए हैं। तो अब मन में किसी प्रकार की झिझक क्यों, अब मन में किसी प्रकार का डर क्यों, कदम आगे बढ़ा लिया तो फिर साहस रखो और दिमाग में यही रखो, एक पॉजिटिविटी रखो, मेरा फैसला सही जाएगा, मेरे ईश्वर मेरे मालिक मेरे साथ, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके मालिक ने ही ये डायरेक्शन आपको दिखाया है, आपको इतना वर्कोहॉलिक किया है, आपको इस फैसले में इतना कहता है ना कि डीप से डीप जाने के लिए कहाँ है, ये आपने स्वीकार नहीं किया है। फिर से कह दो, ये आपके अंतर मन इंट्यूशन के आधार पर मालिक ने आपके आपसे ये कदम उठवाया है ना। बहुत जल्द रिकवरी किसी बात को लेकर आपको मिल जाएगी, आपके हार्ट को लेकर हीलिंग आपको मिलेगी, फिनेंशियल मैटर को लेकर कोई दिक्कत चल रही है, फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है ना, उसका सॉल्यूशन भी आपको इसी राह पर मिलेगा, इसी फैसले के आधार पर मिलेगा, बहुत सारे हिस्से बदलेंगे पता है। जैसे कहा ना सेल्फ रेस्पेक्ट ये आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं ना, उसमें देखना कि वो कितनी कहते हैं ना कि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट की आप रक्षा कर पाओगे। दूसरा, एक किसी प्रकार का पैटर्न आपकी लाइफ में, सच कह दूं कि 3 बार 4 बार चला है एक पैटर्न, बुरा पैटर्न जिससे बहुत ज्यादा मानसिक तकलीफ, और यूं कह लो कि आपकी लाइफ के ना इतने साल इतने बुरे हद में गुजरे हैं, जो 3 4 बार आपने एक ही पैटर्न को झेला है, उससे निजात आपको यही फैसला आप ला कर देगा। ऐसे पैटर्न आपकी लाइफ में फिर कभी भी नहीं घूमेंगे, क्योंकि उस ये उसके बाद में 8 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, उसके बाद में आप पीछे मुड़कर कभी देखोगे ही नहीं गाइस, यही आपके साथ होगा, है ना।
ओके, जल्दबाजी मत करना, बस अभी क्या करना, वाटर वाली एनर्जी। अभी सपने में वाटर दिख रहा होगा, पानी दिख। ओके, ये देखो मेरे कल, फॉरगिवनेस, जॉय। ये देखो, अगर किसी ने हक भी छीनने की कोशिश करे ना, वो भी मिलेगा। इसी राह पर देखो क्या क्या बदलाव होते हैं। किसी ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी जो आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है? और आपके काम पर, काज पर, आपकी लाइफ पर से बुरी नजर काटना, जॉय आपकी लाइफ में आना, फर्गिव करके लाइफ में आगे बढ़ना और मिरेकल होना, ये होकर रहेगा। ये फैसला आपके लिए ये लेकर आएगा। कड़ी मेहनत है जी, और नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है ना? ओके, बैलेंस आएगा गाइस, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। विक्टिम, ओके, कर्मा भी रिटर्न होगा लोगों को अपना। यही फैसला देखना का है। जैसे कहता है ना कि इससे क्या होगा पता है, आपकी लाइफ पर से नियंत्रण कुछ लोगों का हटने वाला है, क्योंकि आपके साथ एक स्थिति हुई है कि लोगों ने आपके साथ गलत करके ये जताने की कोशिश करी कि आपने लोगों के साथ गलत किया है। बहुत ज्यादा कहा ना, ये रीडिंग मुझे इस प्रकार से बता रही है। और कई बार मैंने एक चीज को नोटिस किया कि यहाँ पर किसी इंसान को शारीरिक प्रताड़ना नहीं मिली होगी, मानसिक प्रताड़ना की हद एक पार हो चुकी है। किसी को मेंटली इतना परेशान किया गया है जिससे उसके सोच विचार की क्षमताएं कम हो जाए, वो फैसले ना ले पाए, उनके फैसले गलत जाए, और ऐसी जगह पर आकर उनको असहाय करना कि लो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़कर दिखाओ। जैसे कहते हैं ना, पता नहीं किस जन्म का बैर निकालना, बस स्थितियां वही चली है। ये आपके साथ हुआ है। और एक और बात कि इस समय के दरमियान में ही आपके सामने कुछ ऐसे लोगों का बिहेवियर, मतलब कहते हैं ना, खुलकर सामने आया है जिसकी कल्पना आपने नहीं करी। क्योंकि ये अभी जैसे क्या कहा ना, 3-4 साल का समय इस प्रकार का चला है कि जैसे किसी इंसान का बिहेवियर है वो वैसा ही बिहेवियर करेगा, हाइड नहीं कर सकता अपना बिहेवियर। जो होगा वो ही सामने आएगा। अगर आज से 3-4 साल पहले है ना, किसी कोई इंसान आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था, और अभी इस समय में बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहा है, तो रियल बिहेवियर उनका ये है। और अगर आज से 3-4 साल पहले कोई बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहा था, और अभी के हाल ऐसे हैं कि किसी स्वार्थ को लेकर या कोई बहाना बनाकर, अपनी कोई मजबूरी दिखाकर अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा बिहेवियर कर रहा है, तो यही उनका रियल बिहेवियर है कि वो अपने स्वार्थ के नाते किस हद तक में जा सकते हैं, या आपका कितना, आपको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, या आपको कितनी मुसीबतों में डाल सकते हैं, यही उनका रियल बिहेवियर है। ये समय ऐसा है गाइस कि जो लोग अच्छे हैं, जिनके कर्म अच्छे रहे हैं ना, उनका भाग्य इस समय साथ है। भले उन्हें थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा लाइफ में संघर्ष बढ़ जाए, लेकिन ये समय उनके साथ जस्टिस कर रहा है। ये समय आपके साथ भी जस्टिस कर रहा है। सच कह रही हो ना, एक समय होता है ना कि जब काम एकदम माथे आकर पड़ जाता है, लेकिन इंसान फिर भी हिम्मत रखकर अगर उसे संभालने की कोशिश करे तो राहत बहुत मिल जाती है लाइफ में। आपके साथ ऐसा ही हुआ है, परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल किस स्थिति में थे और आज किस स्थिति में आ गए। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है, इस सिचुएशन से आपको कोई और ही स्थिति में ले जाया जाएगा। क्यों परेशान हो, और आपकी लाइफ को लेकर बहुत बड़ी रिकवरी आपके साथ होगी। आपने गलत नहीं किया, आपके साथ गलत कभी नहीं होगा, ये याद रखना है ना। ये लो, ये आना चाहता है कार्ड, मैं ये लूंगी। यही फैसला आपके लिए मिरेकल लेकर आएगा। मिरेकल आपकी लाइफ में होकर रहेगा, बैलेंस आपकी लाइफ में आकर रहेगी, ठीक है? और कितना पीस मिलता है आपको, समृद्धि कितनी मिलती है, ऐश्वर्य कितना मिलता है, ये देखना आप, है ना? देखना गाइस, सच में आपकी लाइफ बदल जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। और आप खुद कहोगे कि ये मेरा लिया हुआ एक्शन जो है, मेरा लिया हुआ फैसला जो, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फैसला गया सच में। कि और खुद ही कहोगे कि इसको लेकर मैं पता नहीं क्यों इतना टेंशन कर रही थी, टेंशन कर रहा था, चिंता कर रहा था, कि ये तो बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं, ये तो उल्टा मेरी लाइफ में ना कमाल कर गया, मेरी लाइफ को सुधार गया,
है ना, कभी कभी होता है कुछ, कहते हैं ना कि खाई को पार करना मुश्किल होता है, एक कदम आगे बढ़ जाता है और फिर डर रहता है कि दूसरा कदम आगे कैसे बढ़ेगा। और सच कहती हूँ कि यही सिचुएशन जंप लेकर आती है लाइफ को बदलने के लिए, और ऐसी स्थितियाँ करती है, ऐसी खाई उत्पन्न करती है, कब वापस पलट कर पीछे ना जाओ, यही स्थितियाँ आपकी लाइफ में बनी है ना। और आप यही कहोगे गाइस कि आगे बढ़ने पर आपकी लाइफ के लिए बहुत सही रहा, आपके लिए बहुत सही रहा, इसे आप कभी भूलोगे नहीं। और पता है यही चीज़ जो है ना, यही फैसला जो है आपके आत्मविश्वास को कितना बूस्ट करता है, आपको लाइफ में और निर्णय अच्छी तरीके से लेना, उसे ठीक करना, इस सब के बारे में कितना मैच्योर करता है ये देखना। समय ने वाकई में बहुत मैच्योर किया है, अब आप बोलते कम हो सुनते ज़्यादा हो, लोग अगर कुछ कहते हैं तो एक अच्छे इंसान के, या यूँ कह लो कि एक मैच्योर इंसान के फैसले सही जाने का मतलब क्या होता है पता है? वो फैसले लेते कैसे है? सबसे पहली बात तो सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की, कि भाई सिचुएशन के बारे में मुझे पता है सिचुएशन क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है ना। और यही बात है गाइस कि सुनना सबकी, करना मन की, क्योंकि दुनिया है अपने हिसाब से ना सलाह देने की कोशिश करती है, पर आपके सिचुएशन के साथ कौन सी समाधान फिट बैठता है ये आपको पता है, दुनिया को पता नहीं है। और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फैसला या जो राय आपको दे रहे हैं वो आपके लिए सही जाए या गलत जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने मान भी ली उनकी बात कि नहीं उनको बुरा लग जाएगा, मान भी ली ना, कल को वही लोग होंगे जो कहेंगे कि हमने तो बस एक सलाह दी थी। जरूरी थोड़ी था कि आप मान जाओ, अगर आपको पता था कि आपको हानि हो सकती तो क्यों मानी बात? यही बातें बनती है। और ऐसा करना नहीं है कभी भी, है ना, कभी भी अपनी लाइफ को लेकर ना इतना केयरलेस नहीं होना कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग कुछ भी कहे, आपकी लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए, आपकी लाइफ का एक पल भी खराब नहीं होना चाहिए, है ना। आपकी लाइफ पर नियंत्रण आपका रहना चाहिए, आपकी फैमिली का रहना चाहिए, बस उससे आगे किसी का नहीं, ईश्वर का रहे बस, और किन्हीं का नहीं, है ना। तो बेखौफ होकर लाइफ में आगे बढ़ो, भले ही थोड़ा सा आपका काम बढ़ जाए, एक हल्का सा संघर्ष बढ़ भी जाए ना, तो चिंता नहीं करना, ये संघर्ष बहुत बड़ी सक्सेस को लेकर बैठा है। सच कह दूँ यहाँ पर सक्सेस का कार्ड, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के कार्ड, भाग्य के साथ के बारे में बहुत बड़ी बात आई है। एक बात दिमाग में रखना, अगर ये मन में बार बार विचार आता है, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टा लाइफ में और ज़्यादा गड़बड़ हो जाए कि एक परेशानी से निकल कर दूसरी परेशानी में गिर गए, ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर मिरेकल का कार्ड आने का मतलब, यहाँ पर रिकवरी का कार्ड आने का मतलब यही है कि नहीं, इस स्थितियों से आप बाहर निकलोगे, है ना, भाग्य का साथ मिलेगा, चिंता नहीं करना, ठीक है। लोग विरोध भी करेंगे आपका, कह रही हो ना कि लोग यही कहेंगे कि कितना गलत फैसला लिया है आपने, और एक तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोग कहेंगे, ये देखो कुछ लोगों के मुखौटे उतरने वाले हैं, और फिर आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। अभी कहीं कहीं पर किन्हीं लोगों पर अभी भी लगाव है, अटैचमेंट है, कुछ है आपका, ठीक है, उससे बाहर आने के लिए स्थितियाँ बन रही है। देखो यहाँ पर भी 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये भी आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर भी देखो लाइट अपने आप है कि आप आगे बढ़ो, बस चिंता मत करो, मालिक का सपोर्ट आपको मिलेगा। कुछ लोगों के मुखौटे जैसे ही उतरेंगे ना, वैसे ही देखना कि आपका उनके प्रति परसेप्शन, नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी हो सकता है कि जैसे कहा ना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्या कहा कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में अभी तक भी पूरी तरीके से अनफोल्ड नहीं हुई है आपके सामने, एक समय के बाद में आपके सामने अनफोल्ड होगी, और आप कहोगे कि मालिक ने बहुत बचाया है आपको, और अच्छा हुआ कि उस टाइम में आपके सामने कुछ चीज़ें खुलकर सामने नहीं आई, अगर आ गई होती तो आपका जीना बहुत मुश्किल हो गया होता। अब आप क्या है पता है, आप बहुत ज़्यादा, भले ही आपकी लाइफ में कितने ही अच्छे लोग क्यों ना आए हैं, जैसे यहाँ पर कार्ड्स ने बताया कि सोलमेट या अच्छे लोगों की एंट्री भी आपकी लाइफ में होगी, भले कितने ही अच्छे लोग आपकी लाइफ में आ जाए, आप में दो परिवर्तन बहुत कहते ना हाई लेवल के देखने को मिलेंगे। पहला तो आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप अपने वर्क पर बहुत ध्यान रखोगे, क्योंकि इससे आपके सेल्फ रेस्पेक्ट जुड़ी हुई है, इस बात का ख्याल आप रखोगे। और दूसरा है प्रैक्टिकल हो जाना, थोड़ा मतलब इमोशंस को काबू में रखना,
कि भाई रिश्तों में एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, इस लाइफ में एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आप तालमेल बहुत अच्छा करना सीख जाओगे हर एक के साथ, मतलब उलझने कहाँ ना, एक पैटर्न ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान एक उलझन से निकले तो दूसरी उलझन में फंस जाए, सामने से पहले से लड़े रहते कि ये निकले और दूसरी सिचुएशन में फंस जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा ना। अब कहाँ ना एक उस स्थिति से, उस बुरी सिचुएशन से, बुरे पैटर्न से, उस चक्रव्यूह से आपको निकाला जा रहा है जिससे निकलने का हमने बहुत प्रयत्न किया है, नहीं निकला, नहीं निकला। पर कहता है ना, हर एक दुख की एक अति होती है, और ये दुख इस बार आपके लिए अति में था, आपकी बर्दाश्त की के बाहर था, जहाँ पर मिराकल होना कैसे संभव नहीं है, कैसे आपका नज़रिया लाइफ के प्रति चेंज होना ज़रूरी नहीं था, बिल्कुल ज़रूरी था, बिल्कुल ज़रूरी था, और कुछ लोगों का मुखौटा उतरना भी ज़रूरी था। कोई एक मेल पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपकी तकलीफ का बहुत बड़ा कारण बन रहा है, जो आपकी ग्रोथ को तोड़ने में, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी को फैलाने में बहुत बहुत परेशान करता है, ये बात तो है। उनके लेफ्ट पैर में हो सकता है किसी प्रकार की दिक्कत है। सेल्फ वर्थ, कहा ना आपका ये फैसला कहीं ना कहीं आपके स्वाभिमान को लेकर जुड़ा हुआ है। कुछ चीज़ों को आपको, ये देखो कार्ड्स, कुछ चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। डेस्टिनी है आपकी लाइफ में, यही डेस्टिनी है आपकी, कि कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ो। कुछ चीज़ें खत्म हो गई है, या कुछ चीज़ों में, जैसे कहा ना वही खाई वाली बात, कुछ को पार करना, एक बार कदम उठाना थोड़ा डर लगता है, लेकिन जब ये आप कदम उठा लोगे ना, तब देखना साहस बढ़ता है, फिर चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हो कि जो हो गया सो हो गया, अब लाइफ में आगे बढ़ना। लास्ट में क्या है, जॉय और डेस्टनी, सॉरी जॉय और ग्रेटिट्यूड, कि देखो कितनी खुशी आपको मिलती है, कितना ग्रेटिट्यूड मालिक को देते हो कि मालिक सही समय पर दिमाग इतना काम कर गया कि ये एक्शन लिया, और यहाँ पर ही देखो मिरेकल हुआ, मेरी लाइफ में सुधार हुए, एक नई शुरुआत हुई, काम मेरा अच्छा चलने लगा, मेरी लाइफ में शुभ कार्य हुए, कुछ मामलों में रिकवरी भी हुई, मेरा परसेप्शन चेंज हुआ, मेरा स्वाभिमान बचा, और बुरे पैटर्न्स लाइफ से ख़त्म हुआ है। तो इतने सारे चेंजेस, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, ये फैसला, एकमात्र फैसला आपकी लाइफ को बदल रहा है, ठीक है। तो ये फैसला कहाँ से गलत हो सकता है, ये अलग बात है कि इस फैसले में आपको लगेगा आप अकेले खड़े हो, है ना, लेकिन ये गलत आपके लिए कभी भी नहीं होगा। मैं आपके लिए कुछ एंजल्स गाइडेंस भी लेने की कोशिश करती हूँ कि ये फैसला आपके लिए कितना सही है, इसको लेकर और अच्छे से क्लैरिटी आपको मिल पाए, ठीक है ना जी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में ये फैसला आपकी लाइफ में जॉय और ग्रेटिट्यूड लेकर आएगा, ये पक्का है, ये पक्का है। इसका मतलब क्या है कि डिवाइन ने खुद आपके लिए फैसला लिया है ना। परेशानियां सच में गाइस आपकी लाइफ से खत्म हो गया, आपकी लाइफ के दुख के बादल छंट जाएंगे, देखना। और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं मिरेकल के बारे में, एक ऐसी ऊर्जा के बारे में बात करता है जो वाकई में आप डिजर्व करते हो गाइस अपनी लाइफ में। कहते हैं ना, अच्छे समय के लिए दुख को भोगना भी जरूरी होता है, एक अंत ही आरंभ को, आरंभ का प्रारंभ करता है, बस वह कुछ वैसी ही स्थितियां बनी हुई है गाइस, कि आपने, कहते हैं ना, दुख का भुगतान किया है सुख की प्राप्ति के लिए, यही आपकी लाइफ में होगा। एक दरवाजा बंद हुआ तो सैकड़ों दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, पर आपकी खुशी के लिए खुलेंगे, है ना, वो ब्लेसिंग मालिक आपकी लाइफ में ला कर देंगे। तो दुखी मत हो अगर कुछ चीजें छूट गई ना आपकी लाइफ से, वहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता गाइस, वहां पर एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। कभी कभी कुछ बुरे परिवर्तनों को भी स्वीकार करना पड़ता है कि आगे लाइफ में अच्छा हो, उस उम्मीद से आगे बढ़ना पड़ता है, और ये तो लिखा हुआ भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको उम्मीद लगा कर बैठनी है या प्रार्थना ही करनी है कि मालिक लाइफ में मिरेकल होगा क्या कभी, जॉय या ऐसा लाइफ में अच्छा होगा कभी, बैलेंस आएगा कभी, यहाँ तो लिखा हुआ है, फिर किस बात की चिंता, है ना।
बिल्कुल, रिकवरी के ऊपर ये कार्ड आया है कि कुछ मामलों में तो रिकवरी होगी ही होगी आपको लेकर। और ये मामला क्या लग रहा पता है मुझे, आपकी इमेज को लेकर लग रहा है कि लोगों ने आपको निंदा का शिकार बहुत बनाया है, कि चलते फिरते आपके बारे में मर्जी आए जो कह लें, मर्जी आए जो बातें उछाल लें आपके लिए चलेगा, ठीक है। लेकिन ये समय आपकी इमेज को लेकर क्लैरिटी लेकर आएगा। ये कार्ड क्लैरिटी का भी है कि जहां पर लोगों को पता चले, ये तकलीफ से पता है लोगों को आपके बिहेवियर के बारे में पता चलेगा कि आप गलत इंसान नहीं हो, या आपके बारे में जानबूझकर गलत चर्चाएं बाहर फैलाई गई है जबकि आप ऐसे इंसान हो ही नहीं। आपको मजबूर किया गया इतना कि इसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा आपको, है ना। समय आपकी सत्यता प्रमाणित कर रहा है गाइस। ट्रस्ट, ट्रस्ट रखो, ग्रेटिट्यूड के साथ ट्रस्ट का कार्ड आया, ट्रस्ट रखो। मिराकल आपकी लाइफ में होगा, मालिक आपके साथ है, इस फैसले में मालिक का साथ है। कोई इंसान का साथ हो ना हो, मालिक का साथ है इस फैसले में, तो कहाँ गलत है, कहाँ गलत है। अत्याचार को रोकने के लिए ये कार्ड कहता है कि एक बार अत्याचार को रोकने के लिए सामने खड़े हो जाना, लेकिन उसके सामने घुटने नहीं टेकना, ये बस उसी बात के बारे में कहा जाता है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, कहता है ना कि गलत स्थिति में अगर कोई इंसान मौन रह जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं उस गलती का हिस्सेदार बन जाता है। आपने रोकने की कोशिश करी, नहीं रुका, फिर आप क्या कर सकते थे, अपनी तरफ से जितना कर सके कर कर लिया आपने, कोई माने ही ना, तो अब आप क्या कर सकते हो। तो वहां पर आपने आगे बढ़ने का सोचा और ये फैसला सही है आपके लिए। कम से कम आप उस वो चीजें तो नहीं देख रहे हो ना जो गलत हो रही है, क्योंकि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, अब कुछ बोल नहीं सकते। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये लोग आपके इसी फैसले के आधार से ना सिचुएशन इम्प्रूव होगी, सिचुएशन में सुधार होगा। आपके रहते या आपके ये फैसले ना लेने से ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी, मेरे कल तभी होगा आपके लाइफ में आगे बढ़ जाने से। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि किसी की वैल्यू का बढ़ना ये आपके लिए समय करेगा, देखना। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, कहीं से अगर आपको मदद की आवश्यकता हो ना, तो आप जिन पर आपको ट्रस्ट है, जहाँ पर आपकी इंट्यूशन कहती है कि मुझे एक बार इनसे संपर्क करना चाहिए, ठीक है, मुझे इनसे एक बार हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है, जैसे कोई गाइडेंस की हो गई किसी भी बात को लेकर हो गई, तो वहाँ आप कर सकते हो गाइस। मालिक को आगे करके, एक मालिक आपका नाम लेकर मैं किसी से हेल्प ले रही हूँ, गाइडेंस ले रही हूँ, कोई मेरी अच्छाई का फ़ायदा ना उठाए, मेरे भोलेपन का फ़ायदा ना उठाए, है ना। ये बात कहकर फिर बाद में आप किसी से भी गाइडेंस लो, किसी से भी हेल्प लो, फिर ईश्वर जाने आगे जो भी होता है ना, वो ईश्वर जाने। पर साथ में खुद की भी बुद्धि का इस्तेमाल करना, अपने सबक का इस्तेमाल करना, हम केवल मालिक के भरोसे नहीं चल सकते, है ना। तो दोनों चीज़ों का ख्याल रखना, इसमें भी बैलेंस बनाना। इसका मतलब क्या है, इमोशंस के साथ साथ बैलेंस की स्थितियाँ, है ना मेरे शेर। इफ़ यू बिलीव, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। अभी जस्ट कहा अपनी इंट्यूशन की सुनना, ठीक है, अपने इंट्यूशन की सुनकर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, सब कुछ अच्छा होगा। ये बन गई ऐसी सिचुएशन, एक कम से कम एक साल भर में बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन आपने सही है, और रिमेन पॉजिटिव, है ना, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, रिकवरी लो, फिर से रिकवरी का कार्ड आया। वेट वेट, लुक फॉर अ साइन, आपको साइन मिल रहे हैं, नंबर 1, 111, 111 ये मिल रहे होंगे लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में, एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में। तो यही कह सकते हैं गाइस कि रीडिंग ने क्लियर तरीके से बताया है कि जो भी आपने फैसला लिया है वो न केवल आपके आज के लिए, आपके आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत हितकारी रहेगा। तो निश्चिंत होकर लाइफ को जियो और साहसी बने रहो, और ईश्वर पर बिलीव रखो, खुद पर बिलीव रखो, आप अपनी नैया को पार करा लोगे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।